ये हमें दे दीजिए, हम अंदर रख लेंगे। वो क्या है ना, ऐसी हालत में शर्मिष्ठा जी को इतने भारी सामान नहीं उठाने चाहिए, है ना? ऐसी हालत मतलब? वो दरअसल दादी माँ, हमारा ये मतलब था कि अभी अभी शर्मिष्ठा जी हमें बता रही थी कि कल उनकी कमर में मोच आ गई थी, तो बहुत दर्द दे रहा था, इसी की बात कर रहे थे। ठीक है, उठ गई आप? हाँ, वो पता ही नहीं चला आप कब लग गए। बाय द वे, हम पटना पहुंच गए हैं। अरे वाह, राजेश, सारा जी का सामान इनके कमरे में रखवा दो। मुझे तो अभी भी बहुत थकान थकान सी लग रही है। सरा जी, हमने पूरा दिन पूरी रात का सफर तय किया है, आप थक गई होंगी, जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। बच्चे? हाँ, अपनी संस्था के हैं, आप फ्रेश हो जाओ, फिर हम आपको सबसे मिलवा देंगे। अच्छा, तो तुम बच्चों से भी मिल ली? हाँ संस्था, पता है मैंने अच्छा किया जो मैं यहाँ पर आ गई, कि बच्चे सच में बहुत क्यूट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही हो? संस्कार, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, और गलत मोजे बिल्कुल भी मत पहनना, और विटामिन्स भी वहीं पर रखिए तो याद से खा लेना, ठीक है? Excuse me, वैसे आपसे किसने कहा कि मैंने गलत मोजे पहने हैं? For your information, मैंने आज मैचिंग पेयर पहना है, ठीक है? अच्छा, बहुत अच्छे से जानती हूँ कितने सही मोजे पहने हैं तुमने। अब इधर उधर उछलना कूदना बंद करो, देख के पहनोगे ना तो कभी गलत नहीं होंगे, समझे? देखा, I miss you. I miss you too. सुना जी? अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सुनो, वीडियो देखना मत भूलना, ओके? ओके बाय। सौरभ जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? जो इंसान परफॉर्मेंस में म्यूजिक देने वाला था, ऐन वक्त पर उसने मना कर दिया। क्या? तो अब क्या करेंगे? अब सोच रही हूँ, पहले मैंने जिससे बोला था इसी कारणवश वो नहीं आ पाया था, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। ठीक है। अरे अरे ध्यान से बच्चों, अपना फोन मुझे दे दो वरना बच्चे इसे तोड़ देंगे। रात भर नहीं सोई ना? लक्ष्य, लक्ष्य ये सब करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये
ये नकली पेट, ये झूठा नाटक हमारे खुद के परिवार के सामने करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप जानते हैं लक्ष्म, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माँ ने कहा कि ये सब करने से बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही माँ और बच्चे का रिश्ता और गहरा हो जाता है। एक ऐसा बच्चा जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो सिर्फ एक साफ झूठ है। बहुत बार खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब हम अपने आने वाले छोटी भाई या बहन के लिए कर रहे हैं, पर कब तक इस बच्चे की इस दुनिया में आने के बाद क्या? बस 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 अच्छा बस बस नहीं होगा। तुम्हें पता है, दूसरों को खुश रखने के लिए तुम जितना कर सकती थी उतना कर रही हो, पर फिर भी तुम्हें एक बार जरा से बंद करो। पिछले दिनों में तुमने जितनी भी प्रॉब्लम फेस किया उसे बता दो, तुम्हें अच्छा लगे। इस प्रेगनेंसी के बारे में सब बता दो। क्या बताना है? क्या हुआ? उसने वो लाडली को उस पर की याद आ रही थी, तो मैं कह रहा था कि उससे बात करूं। मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई उससे और वो वहां बहुत खुश है। ये ले कॉन्फ्रेंस की फाइल। संस्कार, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम पटना जाकर स्वरा को मिल ले। हमें उसकी बहुत याद आ रही है और आई एम श्योर आपको भी उसकी बहुत याद आ रही होगी। और वो काम जिस वजह से आप गए नहीं थे वो भी हो गया होगा, नहीं? हाँ, लेकिन तुम्हारा इस हालत में ट्रैवलिंग करना ठीक होगा? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। लक्ष्य, फोन पे बात करने से अच्छा है कि हम स्वरा से आमने सामने बात कर ले, नहीं? हाँ, नाइस 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 प्लान। ओके, ठीक है, फिर मैं जाने की तैयारी करता हूँ। थैंक यू। इस हालत में तुम्हें सफर पे कैसे जाने दें? पिछली बार तुम गई थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। अगर इस बार भी कुछ ऐसा हो गया तो? ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम तीनों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखो, मैं बार बार तुम्हारी हेल्थ के साथ इस तरह चांसेस नहीं ले सकती। आप कुछ बोलिए ना। रागनी बेटा, अन्नपूर्णा एकदम सही कह रही है। पापा जी, माँ, हम बिल्कुल ठीक है। हमें स्वरा की सचमुच बहुत याद आ रही है। उसे मिलकर इनफैक्ट हम बेटर फील करेंगे। रागनी सही कह रही है माँ। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों हैं ना, हम रागनी का ध्यान रखेंगे। लक्ष्य, तुम भी इसका साथ। माँ, हाँ कह दीजिए ना। रागनी, लेकिन मेरी एक शर्त, और शर्त ये है कि तुम दोनों एक मिनट के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ोगे। बस ठीक है। थैंक यू। बच्चों, सब इधर आ जाओ, आराम से आ जाओ, सब लोग आ जाओ। सब आ गए? ठीक है, तो अब हम लोग दो रोज बना लेते हैं, ठीक है? एक बॉयज रो और एक गर्ल्स रो। चलो सब लोग फटाफट दो रोज बना लो। और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, और बिल्कुल भी मस्ती नहीं, ठीक है? वेरी गुड,
अब जब तक आप लोगों के नए टीचर नहीं आ जाते तब तक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर गिटार तो होगा ना? हाँ दीदी, ऑफिस में। अच्छा ठीक है, तो आप लोग बिना आवाज के यहाँ पर खड़े रहो, मैं गिटार लेकर आती हूँ। नो फाइटिंग नो मस्ती, ओके? दादा मुझे गिटार दे दीजिए। मैडम गिटार तो ले गए। कौन? वो पुराने टीचर वापस आ गए। अच्छा चलो अच्छा है, बच्चों की प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो जाएगी। पर हमारे पास एक और गिटार है, दो? हाँ दे दीजिए। जी लीजिए मैडम। शुक्रिया। कल्पना, कल्पना नाम है उनका, यहीं पे तो काम करती है, ऐसे कैसे नहीं पता आपको उनके बारे में? देखिए मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद करने की। एक मिनट, कहीं आप कल्पना भट्टाचार्य की तो बात नहीं कर रही? हाँ वही, वही जो बाल विकास फाउंडेशन के लिए काम करती है ना, वही इस चैरिटी फंक्शन के लिए जिम्मेदार है जो आप सरगम फाउंडेशन के साथ मिलकर गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं। मैम वो यहाँ पहले काम करती थी, अभी नहीं। कहाँ है स्वरा? पता नहीं, ये तो कह रही है कि यहाँ कल्पना नाम की कोई काम नहीं करती। अरे नहीं, पहले यहाँ काम करती थी। है तो लाइए ना उन्हें, स्वरा उन्हीं के साथ होगी। सर हम उन्हें नहीं बुला सकते, अभी उन्होंने कोई दूसरा फाउंडेशन ज्वाइन किया है जो उन्हें ज्यादा पैसा देता है। ये कैसे हो सकता है? अगर वो चली गई है तो ये प्ले कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? कौन सा प्ले? कौन सा प्ले मतलब जो आप लोग सरगम फाउंडेशन के साथ मिलकर किसी बस्ती के बच्चों के लिए करने वाले हैं। वो हमारे पास इसी बाल विकास फाउंडेशन की तरफ से प्रपोजल लेकर आई थी। देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम किसी के लिए भी किसी तरह का कोई प्ले नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पटना है और बाल विकास फाउंडेशन की यही एक ब्रांच है। स्वरा यहीं के लिए निकली थी, अगर वो यहाँ नहीं आई तो वो गई कहाँ? या क्या कर रहे हो? दूर हो मुझसे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या कर रहे हो? साहिल मैंने कहा दूर रहो। मारो मुझे साहिल, मार ही दो मुझे, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मार डालो मुझे। साहिल यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। कल्पना जी, कल्पना जी, मैंने गुनाह किया कि मैंने तुम्हें और संस्कार को अलग करने की कोशिश की। एग्जैक्टली, और इस घिनौनी हरकत के लिए तुम्हें जेल में होना चाहिए। हाँ लेकिन मैं बेल पर बाहर आ गया। किसने करवाई तुम्हारी बेल? माँ ने। मैंने उनसे बहुत विनती की, रिक्वेस्ट की, उन्हें यकीन दिलाया कि मैं सुधर जाऊंगा, और तुम्हारे घर वालों ने इतने स्ट्रॉन्ग चार्जेस नहीं लगाए थे इसलिए मैं आसानी से बेल पर बाहर आ गया। छोरा मेरा यकीन मानो, मैं सुधरना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। बकवास बंद करो और उठो यहाँ से। छोरा दूर रहो, दूर रहो मुझसे, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है मैं दूर हो जाता हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। स्वरा मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैं नहीं जानता था कि तुम शादीशुदा। मैं जानता हूँ, जब मुझे पता चला तो मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं अपने प्यार के हाथों मजबूर था। अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, पर स्वरा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुम्हारे हर एक रिश्ते की इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैंने अपनी जिद में आकर तुम्हें जो भी दुख पहुंचाया मैं उसके लिए माफी चाहता हूं।
मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन मुझसे नफरत भी ना करो प्लीज। बस एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। आई प्रॉमिस, प्लीज मुझे माफ कर। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। माँ और पापा ने हमेशा सिखाया है कि इंसान की अच्छाई पर भरोसा रखो। Not reachable. स्वरा साहिल के पास है, ये सब उसी ने किया है। पर संस्कार, साहिल तो जेल में है ना? सब मुझे नहीं पता रागिनी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये सब साहिल ने किया है। यहाँ पे भी स्वरा नहीं है, मैंने सबको फोटो दिखाई पर किसी ने उसे नहीं देखा। Not reachable. कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। एक मिनट, एक मिनट। दादा, ये बलून सब में बांट दीजिए ना, कोई झगड़ा नहीं करेगा, बारी बारी से। ओके, सोरा मैं तुमसे कुछ। साहिल प्लीज, मैं ये सब सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, पर प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे अनकंफर्टेबल मत करो। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। स्वरा जी, आप मिली हमारे म्यूजिक टीचर से? हाँ। दरअसल पहले ये किसी काम की वजह से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आ गए हैं। आई होप इनके साथ काम करके तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। कल्पना जी, मुझे प्ले के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, आइए। चलिए। बच्चों, चलो आ जाओ, अब हम फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है? हेलो, हाँ, पटना में एक चैरिटी फाउंडेशन है जहाँ पे एक लेडी काम करते, कल्पना भट्टाचार्य है। हाँ कल्पना, हाँ मुझे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। इतने कम समय में आने के लिए शुक्रिया साहिल सर। बच्चे से तोड़ देते ना, इसलिए मैंने अपने पास रखी है। सॉरी सर, आप इसे नहीं छू सकते। मैंने तो समझा आपको मेरा मजाक अच्छा लगेगा। बस मैं पहुंच रही हूँ, आपकी बेल हो गई? हाँ, माने के राज। पटना में हमारा म्यूजिक इवेंट होने वाला है जी। वो हमारी संस्था के पास एक बस्ती में आग लग गई थी, तो उन लोगों की मदद के लिए हम ये इवेंट कर रहे हैं। मुझे अभी पता चला है कि स्वरा जी और रागिनी जी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो मैं सोच रही थी कि अगर इन दोनों में से कोई एक हमारे साथ आकर उधर इवेंट में बच्चों के साथ मिलकर गाना गाए तो कितना अच्छा रहेगा। और ख़ासकर
फरा जी ये लो बन। थैंक यू। और कुछ नहीं, थैंक यू। हेलो, स्वरा बेहोश हो गई है, मैं उसे अपनी जगह लेकर आ रही हूँ। गुड जॉब, मैं तुम दोनों का इंतजार करता हूँ। I'll see you. जी। गुड जॉब। अब आपको बस एक और काम करना है। वो क्या सर? रिकॉर्डिंग। सरप्राइज, मिस्टर संस्कार महेश्वरी, तुम्हारी बीवी मेरे पास है, सेफ है, और उसने मुझे माफ भी कर दिया। सो गुड बाय फॉरएवर, और आज के बाद तुम अपनी बीवी को कभी नहीं देख पाओगे। संस्कार महेश्वरी, तुम्हारी स्वरा मेरे पास है। बिल्कुल सेफ है और उसने मुझे माफ भी कर दिया। गुड बाय फॉरएवर। साहिल ने स्वरा को किडनैप कर लिया।